आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कन्वेक्स लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। लेकिन साइन क्या लगाओगे? तो साइन लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड पर लाई कर रही है। ठीक है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है प्लस 10 सेंटीमीटर। आप पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप सीधा रखोगे और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई भी चीज़ को मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव साइन के साथ मेजर होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है, वो है -25 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन के साथ क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा लेफ्ट साइड पर रखोगे और साइन कन्वेंशन बोलता है लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज नेगेटिव आनी चाहिए। हमें पोजिशन, साइज और टाइप ऑफ इमेज बताना है, तो शुरुआत करते हैं वी निकालने से। तो 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस फार्मूला होता है, राइट? तो बस इसको इसमें से देखो, 1/v = 1/f + 1/u कर सकते हो, वैल्यू सब्सिट्यूट करनी बची है, अब तो बस काम आसान हो गया। तो 1/v = 1/f, तो f मेरे पास क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा था, प्लस u मेरे पास -25 दे रखा था। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हो गया 5 - 2/50, तो ये कितना आ गया? बेसिकली 3/50। तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई 50/3 सेंटीमीटर्स, मतलब कुछ इतनी दूरी पे मेरा इमेज बन रहा होगा, जो कि पोजीशन ऑफ इमेज। साइन देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है इमेज बन रही होगी किस तरफ? राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर इमेज बनती है तो हमेशा रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या आंसर दे दिए? हमने टाइप ऑफ इमेज बता दिया, हमने पोजिशन ऑफ इमेज बता दिया, साइज ऑफ इमेज बताना रहता है। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है v/u। इन दोनों को आपस में बराबर रखो, तो यहाँ से मेरे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? v/u * हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज = v मेरे पास आ चुका है 50/3/u, मेरे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 25 माइनस साइन के साथ, तो -25 * 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? बेसिकली 2/3 नेगेटिव साइन के साथ (10), विच इज 20/3 माइनस साइन के साथ। तो एच आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6.66 सेंटीमीटर। साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, देख सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव था, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ये भी हमें इसी कंक्लूजन पे ला रही है कि रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, और ऊपर भी हमारा यही रिजल्ट आ रहा था, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंसिस्टेंटली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा और साइज ऑफ इमेज भी हम लोगों की निकल गई करेक्टली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।